हेलो स्टूडेंट, कल आपको यहाँ से छोड़ा था, वहीं से आगे शुरू करते हैं। माइस्ट गर्ल फॉर एजुकेशन, इसका ये रिवीजन चल रहा था और आपने पढ़ा था आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड बार। यहाँ तक पैसे बचाने के लिए लेखक कहता है मैं लगातार उसी बोर्ड के पास ही सोता रहा जिससे पैसे बचाए जा सके। व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ, यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, जब मेरे पास पर्याप्त पैसे बच गए। मिला आपको, व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जिससे मैं हैम्पटन पहुँच सकूँ। आई थैंक्ड द कैप्टन, तो मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया। ऑफ द वेसल, उस जहाज के। फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर वहाँ से चल पड़ा। ये आपका कर्तव्य बनता है, यदि कोई आपकी मदद करता है तो सबसे पहले आपको उसका थैंक करना चाहिए। ये नहीं कि अपना काम बना और चलते बने। जब भी आप टीचर जाता है पढ़ा करके, तो भी आपको थैंक बोलना चाहिए। तो लेखक कहता है मैंने उस कैप्टन का धन्यवाद दिया उसकी दयालुता के लिए, और फिर से हैम्पटन के लिए चल पड़ा। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस, अब बिना किसी ज़्यादा परेशानी की। ऑक्यूरेंस माने रुकावट। अभी यहाँ तक आने में उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसके पास पैसे थे, इसलिए अब तो वह किराए से पहुँच गया। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुँच गया विथ ए सरप्लस ऑफ एक्सैक्टली 50 सेंट। उस समय मेरे पास 50 सेंट थे। सेंट वहाँ की मुद्रा का नाम है। जैसे यहाँ पर पैसे होते हैं, ऐसे ही वहाँ सेंट होते हैं। यहाँ रुपये होते हैं तो वहाँ डॉलर होते हैं। इस तरीके 50 सेंट उस समय उसके पास थे। विथ विश टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए मेरे पास 50 सेंट थे, और 50 सेंट पर्याप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ $1 की कीमत अबाउट 280 रुपीज़ है। तो फिर 50 सेंट की कीमत ऐसी लगभग 50 रुपीज़ हो। अब 50 रुपीज़ उस समय के पुराने समय की काफ़ी थी, इसलिए पढ़ाई के लिए शुरुआत करने के लिए उसके पास 50 सेंट थे। द फर्स्ट साइट टू द लार्ज 3-स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, पहली ही नज़र ने, जो कि वह विशाल 3 मंजिला पक्की इमारत पर पड़ी, seemed to have reward me, ऐसा लगा कि उस इमारत ने मुझे इनाम दे दिया। पहली ही दृष्टि ने, जो कि उस 3 मंजिला पक्की इमारत पर पड़ी, मुझे उसका इनाम मिल गया। किसका? For all that I had undergone in order to reach the place, जो परेशानी मुझे उस स्थान तक पहुंचने में मिली थी, उसका पारिश्रमिक मिल गया था, उसका इनाम पुरस्कार मिल गया था। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी ए न्यू लाइफ, और इसके पहले दर्शन ने ही मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। यानी पहला उसका काम पूरा हुआ कि वहाँ पहुँचने का जो प्रण किया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ पर वो पहुँच गया। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन संस्था के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद जितनी जल्दी हो सकता था, संभव हो सकता था, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया। यानी वह प्रिंसिपल से मिलने पहुंचा। फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, कक्षा में प्रवेश के लिए, कक्षा में एडमिशन के लिए, असाइनमेंट अनुमति। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, वह बहुत जल्दी में था कि जल्दी से ही उसको
कक्षा में जाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन ये नहीं पता था उसे कैसा था उसका, उस समय था कैसा वो। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, काफ़ी दिनों से ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं खाया था इसलिए कमज़ोर था। ए बात ना तो नहाया था इसलिए वो गंदा दिखता था। एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े बदले ही नहीं थे इसलिए मैंने कुछ अलग कपड़े थे। अब ऐसे में अगर किसी प्रिंसिपल के पास कोई जाएगा तो वो पागल ही तो समझेगा। स्टूडेंट के बेस में तो गया नहीं था वो। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, वहाँ हर माने कोई लेडीज टीचर थी प्रिंसिपल, देखा कहता है मैंने उस पर ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, यानी उस देख करके आई कुड सी एडवांस, मुझे लगा दैट देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड, उसके मन में संदेह हो गया अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि मैं विद्यार्थी के रूप में मेरी बुद्धि तो ठीक है, यानी उसने समझा कि कोई विद्यार्थी होता तो ऐसे आएगा इस बेस में आएगा। तो उसे देखा कहता है मुझे लगा कि उसे मुझे देख करके संदेह हो गया कि मैं विद्यार्थी हूँ। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ देर तक तो उसने इनकार नहीं किया मुझे एडमिट करने के लिए, प्रवेश देने के लिए कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल ने कि मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाइदर सी डिसाइड इन माई फेवर, ना ही ये कहा मेरे पक्ष में कि हो जाएगा और ना ही ये कहा कि नहीं होगा, खड़े रहो ऐसे कह दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, और मैं उसकी तरफ लगातार टकटकी लगाए देखते ही रहा। लिंगर, लिंगर माने होता है वहीं आसपास मंडराते रहना। एंड टू इम्प्रेस हर, और उसे प्रभावित करता रहा। इन ऑल द वेज आई कुड, जिस तरीके से मैं कर सकता था सभी संभव प्रयासों से, विथ माई वर्थीनेस, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कर सकता था मैं उसे प्रभावित करने का प्रयास करता रहा। प्रभावित करने का प्रयास क्या कर सकता था, अब वहीं पास रहा देखता रहा कि शायद कुछ कह दे, कभी कोई पेन गिर जाए, कागज़ गिर जाए तो उठा के रख दे ऊपर, यही प्रभावित करना होगा। इन द मीन टाइम, उसी समय आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, उसी समय दूसरे बच्चों का एडमिशन करते हुए मैंने देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट, और ये मुझे बहुत बेचैनी करने वाला था, यानी ये काम अर्थात ये मुझे अब मुझे बेचैनी होने लगी कि दूसरे लोगों का एडमिशन हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, क्या नहीं होगा क्या, इसलिए उसे ये डिसकम्फर्ट माने थोड़ा परेशानी होने लगी उसको। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मेरा हृदय अब बैठने लगा, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, मैं सोच रहा था कि काश मुझे भी एक अवसर मिले अपनी योग्यता सिद्ध करने का, तो मैं साबित कर दूं कि जो ये कर सकते हैं दूसरे बच्चे वो मैं भी कर सकता हूँ। वो सोच रहा था काश मुझे कोई मौका मिले, यानी मैं मुझसे कुछ पूछ लें। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए, द हेड टीचर सेड टू मी, तब हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, इसी लायक था ये, काश पास वाले कमरे में झाड़ू लगाओ। एडजॉइनिंग माने पास बगल वाले रेसिटेशन रूम संगीत कक्ष नीड्स स्वीपिंग, उसे झाड़ू की ज़रूरत है, टेक द ब्रूम, ये झाड़ू उठाओ एंड स्वीप इट, और जाओ उसे झाड़ू साथ। अब लेखक तो मौका चाहता था, कोई मौका तो मिले। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, लेखक को ऐसा लगा कि अब मुझे ये मौका मिला है, ये मौका मुझे मिला है, ये भी एक मौका था कि अगर इसमें वो सफल हो गया तो एडमिशन लेने में कामयाब हो जाएगा। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, लेखक कहता है कि आज तक मैंने कभी कोई ऑर्डर इतनी खुशी से स्वीकार नहीं किया था जितना कि आज ये स्वीकार किया झाड़ू लगाने का ऑर्डर, हमने दिया जाओ झाड़ू लगाओ, बहुत खुश हुआ।
आई स्वेप्ट द रेसिडेंशियल रूम 3 times। और आजकल की सफाई रोजाना बुआ झाड़ू लगाती है इसमें, आप देख सकती हैं कितनी अच्छी सफाई है। देखो चारों तरफ आप घर मान लीजिए, मकड़ी के जाले बिल्कुल कहीं नहीं है, बोर्ड के ऊपर धूल बिल्कुल नहीं है, बेंचों में आप हाथ लगाइए धूल नहीं सनेगी, साफ है। क्यों सर उसने साफ किया, कैसे किया लेखक ने? आई सेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, 3 बार साफ किया, पहले तो 3 बार झाड़ू लगाई, देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, इसके बाद एक पोंछा कपड़ा लिया, डस्टिंग क्लॉथ लिया पोंछा, एंड आई डस्टेड इट 4 times, 4 बार पोंछा लगाया, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए आपका भी ये ज़िंदगी का सवाल है कि यदि आप इंटर में 80% मार्क्स लाते हैं तो आपकी लाइफ ब्राइट होगी, तो आपको भी जुट जाना चाहिए कि हमें 80% मार्क्स लाने हैं। उसको पता था कि अगर हम आज फेल हो गए तो हमारी लाइफ बर्बाद, इसलिए उसने 4 बार पोंछा लगाया, 3 बार झाड़ू लगाई, ऑल द वुड वर्क, लकड़ी के पूरे कार में अर्थात फर्नीचर में, अराउंड द वॉल, दीवारों के चारों ओर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल को एंड डेस्क, सबको साफ किया अच्छी तरीके से। आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, और पोंछे से पूरा फर्नीचर 4 बार साफ किया उलट पुलट कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैम आकर के बेंच के नीचे देख लें सफाई हुई कि नहीं हुई। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक एक पीस हैड बीन मूव्ड उल्टा करके, एंड एवरी क्लोजेट, दराज में, क्लोजेट माने दराजों को साफ किया, एंड कॉर्नर इन द रूम, रूम के कोने को, दरवाजे के पीछे कोने में, हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, पूरी तरीके से साफ किया। आई हैव द फीलिंग, लेखक कहता है मुझे इस बात का अनुभव था, दैट इन द लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर, अध्यापक पर, यानी हेड टीचर जो थे, प्रिंसिपल थे, उन पर मैंने अगर आज इम्प्रेशन जमा लिया तो मेरा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम, इस कमरे की सफाई पर, यानी इस कमरे की सफाई पर उसका भविष्य निर्भर करता था। व्हेन आई वाज थ्रो आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, लेखक कहता है कि जब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया, चारों तरफ देख लिया कि कहीं कोई अब सफाई बिल्कुल बाकी नहीं है, कहीं एक धूल का नामो निशान नहीं है, तब जाकर के हेड टीचर को कहा, रिपोर्ट किया, कमरा साफ हो गया है। शी वाज ए यंकी वूमेन, वह यंकी थी, यंकी माने क्या होता है, यंकी वूमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, यंकी मीन्स वह औरत जो जानती है कि कूड़ा कहाँ रह सकता है, यंकी मीन्स जो सफाई को अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ धूल रह सकती है। शी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई, इंस्पेक्टेड, उसका मुआयना किया, यानी देखा द फ्लोर, पहले फर्श को देखा, एंड क्लोजेट, फिर दराजों में देखा, क्लोजेट, देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, और इसके बाद उसने अपना रूमाल निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और बेंच पर रगड़ा, ऐसे निकाला, ऐसे और ऐसे रगड़ दिया, ये सफ़ेद हो गया, और उसने रगड़ करके देखा, वाइट हैंड करचिप था, ये तो काला था सफ़ेद हो गया, लेकिन उसका वाइट था काला नहीं हुआ, यानी पूरी बेंचों में जाकर के रगड़ रगड़ के रुमाल देखा उसने कि कहीं गंदगी मिल ही जाए थोड़ी सी। द गुड वर्क अबाउट द बाल, इसके बाद दीवारों में रगड़ा, अगर हम दीवार में रगड़ दें इसको, ये साफ हो गया, दीवार साफ हो गई, उसने रगड़ करके देखा
ओवर द टेबल पे मेज के ऊपर रगड़ा, बेंचेस बेंचों को के ऊपर रगड़ा रुमाल को। वेंस ही वॉज अनेबल टू फाइंड वन विट ऑफ डर्ट, जब वह धूल का एक कण पाने में असमर्थ हो गई, असमर्थ हो गई, ये नहीं पूरी कोशिश, असमर्थ माने होता है पूरी कोशिश करने के बाद भी जब सफलता ना मिले तब असमर्थ कहा जाता है। पूरी कोशिश करी कहीं से कोई धूल मिल जाए, नहीं मिली। इस तरीके से उसने साफ किया था। ऑन द फ्लोर और ए पार्टिकल और डस्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ फर्नीचर, ना फर्श पर एक धूल का कण मिला ना ही फर्नीचर के किसी हिस्से में। सी क्वाइटली रिमार्क्ड, तब बड़े धीमे से कहा उसने, वो भी नहीं, उसे बड़े गर्व से कहना चाहिए था जब इस पूरी कोशिश करने के बाद धूल नहीं मिली तो उसे बड़े गर्व से कहना चाहिए था कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुमने बहुत अच्छी सफाई की, ऐसा नहीं था, बड़े धीमे से कहा। आई गेस यू विल डू द इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, उसने कहा मुझे लगता है ठीक है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसे बड़े अनमने ढंग से कहा। और अब लेखक कहता है, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, इस बात को सुनकर के पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वही था, यानी उसे इतनी खुशी मिली कि शायद उससे ज़्यादा कोई खुश पृथ्वी पर हो ही नहीं। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, इस कमरे की सफाई का जो काम था ये मेरा कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, लेखक कहता है कि उसके बाद मैंने बहुत सी परीक्षाएं पास की, क्योंकि वो तो एडमिशन था नर्सरी में लेने गया। इसके बाद बहुत सी परीक्षाएं पास की, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ड दैट दिस वॉज द बेस्ट वन ऑफ आई एवर पास्ड, आज तक मैंने जो परीक्षाएं पास की थी उन सबसे अच्छी बेस्ट एग्जामिनेशन था मेरा। तो ये आपका लेसन पूरा हुआ, और इससे ये पता चला कि लेखक को कितना संघर्ष करना पड़ा एडमिशन लेने में और अपनी शिक्षा की शुरुआत करने में। तो शिक्षा के लिए तो संघर्ष सभी को करना ही चाहिए। ठीक है, अगले टर्म का अगला लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।